आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एग्जाम्पल की तरह है, ऐसा ही सेम एग्जाम्पल मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्पल किया हुआ है तो इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए जरा, मान लीजिए बेटा मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, और ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा, जरा देख लीजिएगा, पी क्यू आर। क्यू पर है राइट एंगल, ये है पी और ये है आर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेटा आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है जरा देखिए, एंगल पी के हिसाब से बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गई हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हर बार आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली आपको एंगल पी चाहिए, ठीक है। जरा देखिएगा पी क्यू कितना है बेटा, पी क्यू, पी क्यू दिया हुआ है बेटा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर बेटा कितना है, क्यू आर, क्यू आर हमारे पास नहीं है, और पी आर भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। जरा देखिएगा, एक तो बेटा आपको दिया हुआ है पी क्यू, आप लिख देना इन ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो जरा क्या दिया हुआ बेटा, पी आर प्लस क्यू आर आपको दिया हुआ है 25, और साथ में क्या दिया हुआ बेटा, पी क्यू की वैल्यू विच इज 5 सेंटीमीटर। अब बेटा अगर मुझे इन साइड्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वैल्यूज आपको नहीं दी हुई है। वो आपसे क्या कह रहे हैं जरा समझिए, वो आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप पी आर और क्यू आर इन दोनों साइड्स को ऐड करोगे, प्लस करोगे, तब आंसर कितना आएगा, 25। बताइए कोई दिक्कत बेटा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहती है भाई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या फिर हम यू कह दें कि भाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, जो आपका मन करे वो कर लेना। बेटा परपेंडिकुलर यहां पर क्या है जरा देखिए, क्यू आर। बेस कितना है बेटा यहां पर, क्यू पी या पी क्यू, जो भी लिखना चाहे वो लिख देना। हाइपोटेनस बेटा क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम बेटा, जरा देखिए मेरे पास क्यू आर की वैल्यू नहीं है, मेरे पास क्यू पी की वैल्यू है कितनी, 5, लेकिन इन दोनों की ही वैल्यूज नहीं है। अगर नहीं है तो बेटा आपको ये जो रिलेशनशिप दी हुई है इसकी मदद से इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ अदर। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं यहां से पी आर की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगी, 25, ये प्लस में, उधर जाकर क्या होगा, माइनस। तो अगर मैं पी आर की जगह पर 25 माइनस क्यू आर पुट कर दूं तो इधर भी क्यू आर आ जाएगा और इधर भी क्यू आर आ जाएगा, तो बेसिकली हमारा एक वेरिएबल बन जाएगा जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, पी आर की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, 25 माइनस क्यू आर से। बताइए यहां तक कोई दिक्कत बेटा, यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, जरा ध्यान दीजिए यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। क्या होती है आइडेंटिटी जरा देखिए, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, मतलब qr का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत बेटा, यहां पर भी qr और यहां पर भी qr, ये देखो मेरी बात ऐसे समझो जरा, यहां पर अगर 5 और यहां पर भी 5 होता तो ये प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाता, तो 5 माइनस 5 आपको क्या देता, 0, मतलब के कट जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर रखिए 25, यहां पर बेटा 25 का स्क्वायर होता है 625, यहां पर आ जाएगा बेटा 50 और साथ में क्या आ जाएगा, क्यू आर। बताइए कोई दिक्कत, मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस में है 25, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 625 माइनस 25 बेटा यहां पे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 50 QR यहां पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 600, कितना आ रहा है बेटा, 600, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड 600 over 50 बेटा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इसको कैंसिल आउट करोगे, 5 1 5 और 5 2 12,
तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। बेटा अगर आपके पास क्यू आर की वैल्यू आ गई है तो आप पी आर की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि पी आर किसके इक्वल है बेटा, 25 माइनस क्यू आर के इक्वल है। क्यू आर की वैल्यू आपके पास है, यहां पर पुट कीजिए और आंसर निकालिए। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर बेटा कितना है, 25। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें अब तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई है, ये 5 हो गया, पी आर बेटा कितना है, पी आर की वैल्यू अभी आई है 13, और ये कितनी आई है बेटा, 12। अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको निकालना क्या है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो इसकी वैल्यू 13, इसकी 12 और इसकी 5। जरा देखो, अभी हमने जो एंगल लिया था ये पी था, ये क्यू था और ये आर था। इसकी वैल्यू बेटा, ये हाइपोटेनूस है, इसकी वैल्यू आई थी 13, इसकी वैल्यू आपको दी हुई थी ऑलरेडी 5, और इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा था हाइपोटेनूस, ये थी बेटा बेस और ये थी परपेंडिकुलर। आपको किसकी किसकी वैल्यू निकालनी थी बेटा, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इन तीन की वैल्यूज बेटा आपको बतानी है। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, साइन पी का, साइन का फॉर्मूला होता है पी ओवर एच, बताइए कोई दिक्कत, और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेटा क्या है हमारा, क्यू आर, क्या है बेटा, क्यू आर, और हाइपोटेनस बेटा कितनी है, पी आर, कितनी है बेटा, पी आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू 12, तो यहां पर 12 पुट कीजिए, और पी आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 13, तो 13 पुट कर दीजिए, एनी प्रॉब्लम। अब आ जाओ बेटा इस पे, कॉस का फॉर्मूला होता है बी ओवर एच, बेस कितना है बेटा यहां पर पी क्यू, और एच कितना है बेटा, पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू है बेटा 5 और क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 13। यहां पर आ जाओ 10, फॉर्मूला क्या होता है, पी ओवर बी, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, जरा देखिए यहां पर क्यू आर और बेस कितना है पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू बेटा कितनी है, 12, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5। क्या बात समझ में आ रही है, इस तरीके से बेटा आपको इस वाले क्वेश्चन को करना है। तो बेसिकली जो पाइथागोरस थ्योरम में कैलकुलेशन है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब कुछ ईजी है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।